अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ो आवाज़ में मोहतरम जनाब मोहम्मद जुनेद रज़ा अतारी साहेब बारगाह रिसालत इमाम में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे और नात रसूल मकबूल के अंदर एक शेर पढ़ रहे थे। सुनिएगा कि बैठे ने विच मदीने सुनते ने सब दी बोली सुभान अल्लाह ते बोली बैठे ने विच मदीने जुनेद तारी भाई सुनना अच्छा सुन लो का बैठे ने विच मदीने सुनते ने सब दी बोली भाई बैठे ने विच मदीने सुनते ने सब दी बोली जो ए जुमला पढ़िया बार बार पढ़िया कि बैठे ने विच मदीने सुनते ने सब दी बोली बैठे ने विच मदीने सुनते ने सब दी बोली लेकिन कुछ बंदिया दे ज़हन दे अंदर ये बात आई होनी है यार वो जो पश्तो बोले क्या ओदी भी सुनते ने अगर कोई अंग्रेजी बोले क्या ओदी भी सुनते ने पंजाबी बोले ओदी भी सुनते ने सराकी बोले ओदी भी सुनते ने कोई हिंदी बोले ओदी भी सुनते ने मुख्तलिफ जुबाना दे अंदर बोले ते वो भी बोल वो भी सुनते ने लो सुनना अगर एक गल सुन के सीना ठर जावे ते फिर अपनी जगह दे उते बैठ के अगर बोल ना भी सके ना सच्चा हाथ बुलंद कर दी के बिल्कुल एक गल ठीक है कि आका दे चफेरे ने गुलामां दी टोलियां भई आका दे चफेरे ने गुलामां दी टोलियां ए जिन्नी हवा मेरे दोस्त स्टेज ते बैठे ने या बुजुर्ग पिंडाल दे अंदर बैठे ने अगर ना भी बोल सकना हाथ जरूर बुलंद करना दुआ करांगा या अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा दे सदका कदी ओ हाथ गैर ते कहना फैले के आका दे चुफेरे ने बैठे ने विच मदीने सुन दे ने सब दी बोली बैठे ने विच मदीने सुन दे ने सब दी बोली आका दे चुफेरे ने गुलामा दिया टोलियां ओ इको पिया सुनदा होते लखा दिया बोलियां इको पिया सुनदा होते भाई इको पिया सुनदा होते लखा दिया बोलियां मैं गदाए मुस्तफा हूँ भीख मिलती है तेरे मुहम्मद से मैं गदाए तेरे मुस्तफा हूँ भीख मिलती है आस्ताने से जो गदा है तेरे मुहम्मद का कुछ नहीं मांगता जमाने से हजरात लोग कहते हैं कि हातम ताई बड़ा सखी है मैं कहता हूँ हातम ताई तो बड़ा मशहूर किसान सुनिया मंगदिया नाल सी वो बड़ा प्यार करता ओदे घर दे सन अठ दरवाजे मंगता हर बूहे तो जा सवाल करता वो थोड़ा थोड़ा दे के हर बूहे चो वो मंगते नू जा खुशहाल करता वो थोड़ा थोड़ा दे के हर बूहे चो वो मंगते नू जा खुशहाल करता आखिरी मिसरा सुनने जिन्हू समझ आ जावे क्योंकि मैं बार बार ये गल कर रही हाँ भाई बोलो भाई सुभान अल्लाह आखो भाई सुभान अल्लाह आखो लेकिन इतना मैंने जरूर पता चल गया है कि नबी की महफिल में जैसे हर बंदा आ नहीं सकता ना ऐसे हर बंदा बोल भी नहीं सकता क्योंकि सुनिएगा कि हातम ताई दा बड़ा मशहूर किस्सा सुनिया मंगतिया नाल सी वो बड़ा प्यार करता ओदे घर दे सन अठ दरवाजे मंगता हर बूहे तो जा सवाल करता वो थोड़ा थोड़ा दे के हर बूहे चो वो मंगते नू जा खुशहाल करता नासर इको दरवाजा नबी दा है जो लखा मंगतिया नू माला माल करता नासर इको दरवाजा नबी दा है जो लखा मंगतिया नू माला माल करता ना अमीरां दी गल है बाबा जी ना गरीबां दी गल है ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है जिक्रे नबी विच बोलना भी नसीबां दी गल है जिक्रे नबी विच बोलना ए भी नसीबां दी गल है मेरे नाल मिल के बोलो सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी के जो फूल से वाबस्ता हो उसे कली कहते हैं भाई जो फूल से वाबस्ता हो उसे कली कहते हैं हर चीज के खालिक को चली कहते हैं जो बंदा कहता है कि मैं अली अली करता हूँ तो मेरा सीना ठंडा हो जाता है बस वो बंदा मेरे नाल मिलके अली का नाम बुलंद करेगा कि जो फूल से वाबस्ता हो उसे कली कहते हैं हर चीज के खालिक को चली कहते हैं जो दुश्मन को भी पिलाए शरबत का जाम हम ऐसे सखी को अली कहते हैं नारा हैदरी नारा हैदरी आइए इन्हीं लफ्जों के साथ मैं नाते रसूल मकबूल के लिए गुजारिश करता हूँ सना खाने मुस्तफ़ा बुलबुले वास्ते सरकार मदीना मोहतरम जनाब मलक मोहम्मद सज्जाद मेहरवी साहिब आए बारगाह रिसालत इमाम में नजराना अकीदत पेश करें।